नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो। मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कमल एसोसिएट्स में। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ 3 BHK का बहुत ही शानदार फ्लैट जो कि लोकेटेड है द्वारका मोड़ और नवादा के बिल्कुल सेंटर में। मेन रोड से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है ये फ्लैट। ये फ्लैट 3 BHK का हमारा 120 गज में बना है और अगर प्राइस जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्लैट का नक्शा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा एंट्री डोर, एंट्री डोर के बिल्कुल साथ ही हमारा ये लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने हमारा फर्स्ट बेडरूम, देन उसके साथ हमारा किचन, उसी के साथ हमारा सेकंड बेडरूम, उसके बिल्कुल फ्रंट में हमारा थर्ड बेडरूम। तो अभी मैं खड़ी हूँ अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया आप देख रहे हैं कितना स्पेशियस लिविंग एरिया। हमने एल टाइप के सोफे के साथ हमने यहाँ पे हमने राउंड टेबल प्लेस किया हुआ है, उसके साथ सेम कॉन्सेप्ट से मैच करता हुआ हमने यहाँ पे ब्लूइश शेड का वुडन का काम कराया हुआ है, मतलब वॉलपेपर का हल्का काम नहीं हुआ है इस फ्लैट में। और उसी से सेम थीम से मैच करता हुआ हमने यहाँ पे अपना टीवी पैनल बनाया हुआ है। टीवी पैनल के सारे स्विचेस हमने रेडी करके ऑलरेडी दिए हुए हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं हमारा वॉल सीलिंग, जैसे कि मैंने बता रखा है पहले भी, मैं बताती हूँ कि हम लोग फॉल सीलिंग के लिए बाहर से कारीगर बुला करके बनाते हैं। तो फॉल सीलिंग आप देखिए कितना सुंदर सा फॉल सीलिंग है। उसके साथ यहाँ पे हमारा छोटा सा शैंडलियर लगा हुआ है जो कि इसकी ब्यूटी को, फॉल सीलिंग की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। तो अब आ जाइए हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जिसमें अटैच्ड है वॉशरूम। तो फर्स्ट बेडरूम में आप देख रहे हैं कि कितना स्पेशियस बेडरूम है। तो यहाँ पे हमने अपना 6x6 का बेड प्लेस किया हुआ है, उसके बाद भी हमारी इतनी सारी जगह जो है वो निकल के आती है। और सेम थीम से मैच करते हुए इस रूम में भी हमने यहाँ पे टीवी पैनल दिया हुआ है। यहाँ भी सेम वुडन का काम है और इस टीवी पैनल के ऊपर ही हमने यहाँ पे एसी का प्रोविज़न दे दिया है। एसी के प्रोविज़न के साथ साथ हम आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने छोटा सा ये स्टडी टेबल टाइप का कुछ बनाया हुआ है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए स्लाइडर अलमीरा बनाई हुई है जिसमें जो कि आप देख सकते हैं कि अगेन ये भी स्पेशियस है। तो अब मैं चलती हूँ आप लोगों को लेकर के वॉशरूम की तरफ। तो ये है हमारा रूम से अटैच्ड वॉशरूम। तो आप देख रहे हो वॉशरूम में भी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सीलन की शिकायत ना आए उसके लिए हम ऊपर से लेकर नीचे तक टाइल का वॉक कराते हैं। और यहाँ पर भी हमने इसकी ब्यूटी को और इन्हांस हमने गोल्डन स्ट्रिप के साथ किया हुआ है। गीज़र का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है वॉशरूम में ऑलरेडी, मतलब आपको तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका वॉश बेसिन लग जाएगा और आप देख रहे हैं वॉल हैंगिंग सीट के साथ हमने ये वॉशरूम को कंप्लीट किया है। और ये फ्लैट वेंटिलेटेड है, इसकी गारंटी ये सॉफ्ट देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेंटिलेशन का प्रोविज़न पूरा दिया गया है। वेंटिलेशन के प्रोविज़न के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे एक विंडो बना रखी है जो कि, और सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ पे मोटे मोटे छिटकनी लगा रखे हैं। तो अब आ जाइए हमारे किचन एरिया की तरफ। तो ये हमारा 3 BHK का बहुत बड़ा, बहुत लग्जीरियस किचन। लग्जीरियस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोवेव, ओवन, सारी सबकी जगह हमने ऑलरेडी पहले से ही दे रखी है। यहाँ पे हमने पेंट्री बना के रखा हुआ है, आप देख रहे हैं पेंट्री में भी ग्लास का वॉक कितना सुंदर कराया हुआ है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे अपना 3 डोर वाला आराम से अपना फ्रिज, बड़ा वाला फ्रिज आप यहाँ पे रख करके प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी जगह जो है वो निकल करके आएगी किचन की, मतलब फ्रिज का भी स्पेस दिया हुआ है इस किचन में। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे चिमनी लगा रखा है। चिमनी के साथ आपको यहाँ पे तोड़फोड़ अगेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप देख रहे हैं चिमनी का भी पाइप हमने ऑलरेडी पहले से ही लगाया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने आरओ का प्रोविज़न के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है।
और आपके सामान जो आपका सामान सारा सेटल रहे अंदर, उसके लिए हमने यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉर्स बनाए हुए हैं आपके लिए। यहाँ पे हमने वुडन के कैबिनेट्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं और यहाँ पे हमने मार्बल का काम कराया हुआ है किचन में। मार्बल का काम मतलब महंगा काम। आप देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना अच्छा बड़ा किचन है। मतलब फीमेल जो भी आएगी इस फ्लैट को देखने, कहेगी भैया यही फ्लैट लेके चलो, मेरे को और कहीं जाना ही नहीं है, मुझे इसी फ्लैट में रहना है। तो अब आ जाइए हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। आप देख रहे हैं सेकंड बेडरूम में आते के साथ आपको क्या चीज दिख रही है? मुझे तो ये वेंटिलेशन पॉइंट दिख रहा है, मतलब फुल्ली वेंटिलेटेड, फुल्ली क्या कहते हैं, आपकी मॉर्निंग में लाइट भी नहीं जलेगी, आप विंडो खोल दो आपकी सनलाइट से ही रोशनी हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमने क्विल्टिंग वाला बेड लगाया हुआ है। क्विल्टिंग वाले बेड के साथ यहाँ भी हमने वुडन का काम कराया हुआ है। वॉलपेपर कहीं भी रिपीट नहीं किया है और वुडन का सेम वुडन का काम हमने यहाँ पे टीवी पैनल में भी कराया हुआ है। आप देख रहे हैं टीवी पैनल हमारे सेकेंड बेडरूम का टीवी पैनल कितना बड़ा है। यहाँ पे आराम से आपका 52 इंचेस का टीवी लग जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे भी हमने अलमीरा दे रखी है। यस, यहाँ पे भी हमने स्लाइडर अलमीरा दे रखी है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा सुंदर स्लाइडर अलमीरा है, कितना स्पेशियस है। और हाँ, यहाँ पे हमने अपना प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल भी दे रखा है, जिसमें आपके सारे ड्रॉर्स भी दे रखे हैं। हमने सारे ड्रॉर्स चैनल वाले हैं, आप देख सकते हैं अपने आप लॉक हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा फॉल सीलिंग रेडी कर रखा है। अब फॉल सीलिंग देखिए, मतलब अलग ही सब जगह आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखेगा, अलग अलग थीम दिखेगा। मतलब कहते हैं ना एक अच्छा फ्लैट रेडी करना, तो ये फ्लैट आप लोगों के लिए स्पेशली रेडी करके रखा हुआ है। और ये हमारा कॉमन वॉशरूम। ओ माय गॉड, कॉमन वॉशरूम का स्पेस देख रहे हैं आप, कितना स्पेशियस है हमारा कॉमन वॉशरूम। और यहाँ पे भी सेम आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमने गोल्डन स्ट्रिप का काम कराया है, जिससे ब्यूटी इन्हांस हो रही है। वॉल हैंगिंग सीट के साथ यहाँ पे आपका वॉश बेसिन लग जाएगा। वॉश बेसिन के साथ यहाँ पे आपके सारे शैम्पू कंडीशनर सारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा करके आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे हम, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ, बार बार रिपीट करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, कि यहाँ पे हमने टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हमने टाइल का काम करा करके दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि सीलन ना आए। तो यस, अब आ जाइए हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो यस, ये हमारा थर्ड बेडरूम। तो आप देख रहे हैं, जैसे ये मैंने बता रखा था ये 3 BHK है, तो ये हमारा बालकनी अटैच्ड रूम है, मतलब बालकनी से अटैच्ड है ये रूम। आप देख रहे हैं कितना स्पेसियस रूम है। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमारा 6x6 का बेड लगने के बाद भी कितनी सारी जगह बच करके आ रही है। आप लोगों को कैमरे में जो जगह दिख रही है वही एक्चुअल जगह बच के आ रही है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं इसमें भी हमने वॉल क्विल्टिंग के काम के साथ हमने यहाँ पे बेड रेडी कर रखा है क्विल्टिंग वर्क के साथ। उसके साथ यहाँ पे हमने ब्लू शेड का यू शेप का अलमीरा रेडी करके रखा है। यहाँ भी हमने चार्जिंग के दोनों तरफ पॉइंट्स दे रखे हैं, ताकि हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में ना झगड़े फ़ोन चार्ज लगाने के लिए। उसके साथ साथ सेम थीम से मैच करता हुआ यहाँ पे हमने गोल्डन स्ट्रिप के साथ टीवी पैनल रेडी करके दिया है। टीवी पैनल के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितना सुंदर सा फॉल सीलिंग रेडी करके दिया है। फॉल सीलिंग के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका विंडो एसी का प्रोविजन दे रखा है हमने। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो दे रखा है। विंडो के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बालकनी अटैच्ड रूम है, तो आ जाइए हमारे बालकनी एरिया की तरफ। तो ये हमारा बालकनी एरिया देख रहे हैं आप, कितना अच्छा सुंदर सा हमने बालकनी बना रखा है, मतलब टाइलिंग वर्क यहाँ भी करा रखी है फुल टू फुल। SS 304 की ग्रिल कर रखी है, मतलब स्टेनलेस स्टील का ग्रिल कर रखा है, जिसमें आपको जंग लगने की शिकायत कभी नहीं आएगी। यहाँ पे हमने टैप का प्रोविजन दिया हुआ है, ताकि आपको वॉशिंग मशीन लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा 3 BHK का फ्लैट। आप बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब आप लोग के मन में चल रहा होगा कि प्राइस क्या है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मैं वीडियो के एंड में प्राइस बताऊंगी। तो यस, ये हमारा 3 BHK का फ्लैट सिर्फ और सिर्फ 55 लाख में है। तो यस, 55 लाख का हमारे ये 3 BHK का फ्लैट है। और अगर फ्लैट के बारे में और जानना चाहते हो, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर 8448440765 पे कॉल करो। और अगर फ्लैट देखना चाहते हो तो ऑफिस विजिट करो, किस बात की देरी है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।